Hi, this is Emraan Hashmi and you're watching us on Cinespeaks. Hi, this is Shreya Dhanwanthary and you're watching us on Cinespeaks. Yes. Hi, welcome on Cinespeaks. हाँ जी, कुछ आप बताइए ऐसा कोई क्वेश्चन जो मीडिया बहुत पूछ चुकी है और अब आप चाहती हैं कि अब बस यार इनके टैग के बारे में मत पूछो यार, हो गया ना यार, बहुत हो गया यार, मुझे भी अधूरा हो जाएगा, मुझे भी हो रहा है इरिटेशन, पूछेंगे ना तो अधूरा हो जाएगा। हां तो यार चीट इंडिया से व्हाई चीट इंडिया, वो भी इतने कम समय पहले, ये चीज पहले क्यों नहीं डिसाइड की गई, क्योंकि पहले ही रियलाइज हुआ कि ये नेगेटिविटी फैला रहा है या फिर भाई हां ये जो प्रोमो के टाइम पे हमें चीट इंडिया का टाइटल हमें रखा था, लेकिन वो इस आई मीन बोर्ड को इससे आपत्ति नहीं थी। फिर रिलीज के सात दिन पहले उन्होंने कहा कि चीट इंडिया बदल के बाई चीट इंडिया कर दो। उनको लगा कि टैगलाइन ओरिजिनल थोड़ा नेगेटिव है, इससे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने चेंज कर दिया। अभी मत पूछिए कि इसमें क्या है, क्या लॉजिक है, लेकिन ऐसा ही है ना। आपने सही बोला था कि ये पहले क्यों नहीं रियलाइज किया, पर हम क्या कह सकते हैं अभी, बिकॉज काफी टाइम पहले से फिल्म बच चुकी है, हर एक साल से न्यूज में था। और फिर प्री फोन भी हो गई है फिल्म जी, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ लग रहा है नाम बदलने से, प्री फोन होने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए हमें एक ओपन रिलीज डेट चाहिए थी, एक सोलो डेट चाहिए थी, इसलिए हमने 18 तारीख को हम इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज की। बट आई डोंट थिंक नाम से वैसे कुछ फर्क पड़ता है। जिन लोगों को फिल्म देखनी है वो अल्टीमेटली जाके देखेंगे, उनको पता है फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, हम क्या पेश कर रहे हैं, टाइटल कुछ भी हो जाके देखेंगे। श्रेया आपकी डेब्यू फिल्म है, हाँ जी, कैसे एंट्री की है आपने, बिकॉज आपकी तेलुगु रिलीज हुई थी वो बहुत था, हाँ बहुत सालों पहले, उसके बाद आपने वेब सीरीज भी किया, हाँ। अभी आपकी इसमें कैसे एंट्री हुई और कैसे सिलेक्शन हुआ और इमरान की चॉइस थी यहाँ पहले या फिर क्या? नहीं, जो भी काम मुझे मिला है वो ऑडिशंस के थ्रू ही हुआ है। तो जब मैं दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी तब भी ऑडिशन से ही हुआ, और जब मैं बॉम्बे को शिफ्ट किया तब भी ऑडिशन से ही हुआ। तो मैंने एड्स किए थे, उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स, के बाद वेब सीरीज़, और जो जब मुझे ये फिल्म भी मिला वो ऑडिशंस के थ्रू ही था। तो 3 महीने के बाद, ऑडिशंस करने के बाद, 3 लुक टेस्ट करने के बाद तब जाके ये फिल्म मैंने साइन किया। तो इमरान, एक नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी पूछते हैं कि आपकी एक्ट्रेस के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, तो ऑब्वियसली अच्छा था। कुछ ऐसा बताइए जो आपको अच्छा नहीं लगा आपके बगल में। ओह, अच्छा नहीं लगा, ओह लेट्स गो, ही विल टॉक अबाउट माय खाना ओनली। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि मैंने इससे पहले कभी कोई शख्स ऐसा देखा नहीं था जो इतना खाना खाता है। तो ये बहुत खाना खाती हैं और स्लिम भी रहती हैं, अपेरेंटली बहुत वर्कआउट करती हैं, बोल कहती हैं कि 6 घंटा वर्कआउट करती हैं, लेकिन दिन में से 12 घंटा खाना खाती हैं ये। तो इनका जो होता है ना, जो कोर्स मील होता है इनका, मींस हर आधे घंटे में उनको फ्यूल करना पड़ता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, आई हैव नॉट ईटन फूड, I'm very happy. जो ट्वीट दिया था वही कहूँगा कि लोगों की दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, जो हमें इतनी मैसेजेस आई थी मेल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और जहाँ जहाँ भी हम जाते थे, हॉस्पिटल में हो, कनाडा में हो, वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि हम प्रे कर रहे हैं, यहाँ के भी लोग। तो ये एक माइलस्टोन है, एक अच्छा दिन है कि हम 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और मेडिकली ही इज़ डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री। तो ऐसा लगता, आई मीन ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना 5 साल हो गए हैं, बट एक्चुअली 5 साल हो गए, और ये लोगों की बस उनको थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। रोल को देख के, जैसे कि ट्रेलर को देख के समझ में आता है कि आपका रोल क्या है, बट हम ये पूछना चाहेंगे आज की एजुकेशन सिस्टम में क्या एक्चुअल ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपने कुछ देखा
कुछ क्लोजली जाके ऑब्जर्व किया या कुछ समझा इस रोल को? हाँ, मैं रह चुका हूँ इस सिस्टम में, मुझे पता है कि कितना इनफेक्टिव रहा है, जो मगिंग का सिस्टम बहुत इनफेक्टिव रहा है. और मुझे चीटिंग माफिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, उस पर बहुत सारा रिसर्च किया, लोगों से बात की, लखनऊ में बहुत लोगों से बात की, लोगों से जो चीटिंग माफिया के लोग हैं उनसे फ़ोन पे बात की. तो फिर बात समझ में आ गई थी यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस पर डेफिनेटली फिल्म बनानी चाहिए. तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड फिल्म है, वेल रिसर्च फिल्म है. देखिए हाँ, चीटिंग कर दिया आपने पहले पूछा था इंटरव्यू में, एक सवाल है जो मैं नहीं पूछूं. रिचा चिटिंग, चिटिंग किया आपने, एकदम चिटिंग. हाँ, चिटर चिटर हो आप. देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो शुरुआत में 20 से मैं मेरी रन रेट थी इस पे 1 पे आ गए हैं. मैं कहता हूँ कि दिस इज प्रोग्रेस, क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कम हो गया. लेकिन ये बात मुझे एक तरह से अम्यूजिंग लगती थी, फनी लगती थी, ये खुद मैंने इन्फ्लिक्ट किया है, खुद अपने खुद को मैंने टैग दिया है. बट ये कुछ बात कुछ ज़्यादा ही खिंच गई. आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भूल जाएंगे, पता नहीं कब भूलेंगे, लेकिन भूलेंगे ज़रूर. श्रेया, आपने डेब्यू कर लिया फिल्म में, आपके पहले हीरो आपके बगल में बैठे हैं, और कोई हीरो, कोई ऐसे डायरेक्टर्स या कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो आप ढूंढ रहे हो? यार डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस की लंबी लिस्ट है मेरे पास, बट आई डोंट वांट टू से, क्योंकि मुझे जिंक्स नहीं करना. पर एक्टर्स रही एक्टर्स के बाद, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनके साथ भी मुझे काम करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट हैपेंस. और ऐसी कोई फिल्म जो आपको बहुत पसंद है बॉलीवुड में, या जिसका रीमेक आप चाहते हो कि उसमें मैं रीमेक में आ जाऊँ? नहीं यार, आई लाइक ओरिजिनल स्टफ, थोड़ा लेट द ओरिजिनल थिंग्स स्टे वेयर दे आर. हम थोड़ा न्यू कुछ करेंगे, रीमेक्स एंड ऑल, आई डोंट नो. और एक और चीज़ के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, दिल में वो तुम जो सॉन्ग है, आई पर्सनली लव इट. थैंक यू. रीमेक्स या रीमेक्स उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं जितने ओरिजिनल. करेक्ट करेक्ट. तो इस सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी मेहनत और कितना डिफरेंट एफर्ट्स लगाए हैं आपने? हाँ, इन्हें प्यार करने के लिए कौन सा एफर्ट है? ये ढूंढने के लिए या शूट करने में? शूट करने में, सॉन्ग्स में, लिरिक्स में, म्यूजिक में. हाँ, ये ढूंढने के लिए आई मीन बहुत वक्त लगा लिया, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है जो डिफाइन करता है लव स्टोरी को इन कैरेक्टर्स के बीच. तो काफ़ी ढूंढा, फिर यू नो महीनों तक हम स्क्रिप्ट जब लिखी जा रही थी तो ये गाने के लिए हम एक तरह से तलाश रहे थे. फिर फाइनली मिला, फिर हमने देखा कि ठीक है बप्पी का गाना है, वॉज दैट वंडरफुल सॉन्ग, इसको रिहाइश करना चाहिए. वी शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि द रिहाइश ऑल्सो हैज़ बी गुड. कभी कभी क्या होता है, यू डोंट रियली डू इट विद दैट मच केयर, और फिर वो फिजल आउट हो जाता है. लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, कहते हैं नहीं वो ओरिजिनल गाना बेटर था, पर ऑब्वियसली ओरिजिनल गाना अच्छा है उनकी उस जगह में, लेकिन ये गाना भी एक तरह इसमें बहुत मेरिट है एंड शॉट वंडरफुली. सो या इमरान, एक बहुत अच्छी खासी लंबी जर्नी आपने बॉलीवुड में कर ली है, अभी आप आज की डेट में खुद को कहाँ देखते हो, और आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट या कुछ ऐसी चीज़ों से आप अछूते हैं जो आपको फ्यूचर में करनी चाहिए? मेरे यहाँ पे 17-18 साल हो गए हैं, और आई थिंक ये जर्नी आप यू नो यू शुड ऑलवेज बी नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अपने काम के साथ. अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो एक तरह से यू रीच दैट गोल पोस्ट, फिर आगे कुछ रहता नहीं है. इट्स द डेथ ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन. मैं चाहता हूँ कि मैं और मैं ग्रीडी हूँ, अच्छे स्क्रिप्ट आए मेरे पास, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूँ. बस यही चाह है कि इसी तरह मैं ऑडियंस का मनोरंजन करता रहूँ. चलते चलते हमारे व्यूअर्स को बताइए फिल्म की रिलीज डेट तो 18 ये बताएंगी, बताइए और वाई भी हो गया है, बताइए. तो थोड़ा और डिटेल. तो हम एक बहुत ही रेलेवेंट मुद्दे पर फिल्म बनाई है, और बहुत हमारी कोशिश ये है कि एटलीस्ट घर जाके एक कॉन्वर्जेशन तो हो जाए इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर है या गोइंग थ्रू है या किया हुआ है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी होप यू एन्जॉय दिस फिल्म ऑन 18th of January. आप 25 को भी देख सकते हो, पर प्लीज़ वॉच इट ऑन द फर्स्ट डे. वी वुड लव योर सपोर्ट. सेम जो उन्होंने कहा, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है. चीटिंग किस तरह होती है, आपके जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं आपको लगता है कि आपको मेरिट पे सब कुछ मिल जाएगा,
ये सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीटिंग माफिया है जो आपके प्रोग्रेस को एक तरह से रोक रही है. ये किस तरह चीटिंग होती है क्लासरूम्स में, कैसे ये इनकी नेक्सस फैली हुई है स्कूल्स और कॉलेजेस में, ये आपको पता चलेगा. चीट इंडिया, व्हाई चीट इंडिया, 18th of January. I wish you all the best from our side. Thank you. Thank you.